नमो नमः प्रिय बच्चों मैं कंचन माला संस्कृत अध्यापिका राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहमीना रोड लखनऊ आज की कक्षा में मैं आप लोगों को संस्कृत विषय पढ़ाऊंगी बच्चों संस्कृत विषय चार भागों में विभक्त हैं गद्य पद्य नाटक तथा व्याकरण तो संस्कृत आज की कक्षा में मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण पढ़ाऊंगी बच्चों व्याकरण का ज्ञान किसी भी भाषा को सम्यक रूप से जानने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है व्याकरण के ज्ञान के अभाव में हम लोग किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना लिखना बोलना अथवा किसी भी वाक्य का निर्माण करना इत्यादि प्रक्रिया असंभव है हम नहीं कर सकते हैं अतः है, संस्कृत व्याकरण को अच्छी तरह से जानना किसी भी भाषा के के ज्ञान है तो, तो चलिए हम लोग संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण में आप लोगों के कक्षा दस में प्रथम पाठ है प्रत्याहारों का सामान्य परिचय तथा वर्णों का उच्चारण स्थान जिसमें आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्याहार प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र तो माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार आज की कक्षा में पढ़ेंगे आगे फिर वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे बच्चों संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार जानने से पूर्व माहेश्वर सूत्र को जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि माहेश्वर सूत्र को जानने के पश्चात ही हम लोग प्रत्याहार का निर्माण कर पाएंगे बच्चों संस्कृत व्याकरण का प्रारंभ माहेश्वर सूत्र से होता है अब ये माहेश्वर क्या है माहेश्वर सूत्र क्या है तो माहेश्वर के शब्द को यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें दो शब्द मिलेंगे महा और ईश्वर माहेश्वर महा और ईश्वर माहेश्वर तो महा और ईश्वर की जब हम संधि करते हैं तब माहेश्वर शब्द बनता है माहेश्वर सूत्र पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि माहेश्वर का अर्थ क्या होता है बच्चों माहेश्वर का अर्थ है भगवान शिव माहेश्वर का क्या अर्थ है भगवान शिव अब माहेश्वर सूत्र का सीधा सीधा अर्थ हो गया भगवान शिव का सूत्र अब आपके मन में एक विचार आएगा कि इस सूत्र को आखिर माहेश्वर सूत्र अथवा भगवान शिव का सूत्र क्यों कहा गया है तो मैं आप लोगों को बताती हूं कि महर्षि पाणिनि ने उपासना की भगवान शिव की उपासना की तो उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चौदह बार अपने डमरू को बजाया चौदह को बजाया उससे चौदह प्रकार के नाद उत्पन्न हुए ध्वनिया उत्पन्न हुई चौदह प्रकार की तो उसे महर्षि पाणिनि ने चौदह सूत्रों के रूप में आरोपित कर दिया और वही चौदह माहेश्वर सूत्र कहलाए और इन्हीं चौदह माहेश्वर सूत्र से हमारे संस्कृत व्याकरण का जन्म होता है यहीं से हमारा संस्कृत व्याकरण प्रारंभ होता है महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ लिखा जो कि संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और उसके आठ अध्याय हैं और उसी से संस्कृत व्याकरण का जन्म हुआ प्रारंभ हुआ तो चलिए मैं आप लोगों को ये चौदह माहेश्वर सूत्र बताती हूं बच्चों चौदह माहेश्वर सूत्र हैं। पहला आ, ए, उ ना। दूसरा री क तीसरा ए ओ चौथा आई औ पांचवा ह य व र ट छठा ल ण सातवा य म अंगा ण न, न, न म छठा आठवा झ भ यम नौवा घ ढ़ ढ़ स दसवा ज ब ग ड

चौदह माहेश्वर सूत्र जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं और मैंने आपको बोल के समझाया है इसका उच्चारण किया है इन चौदह माहेश्वर सूत्रों को जब आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपके लिए संस्कृत व्याकरण को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा इस चौदह माहेश्वर सूत्रों के आधार पे हम प्रत्याहार बनाएंगे और जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो उसी प्रत्याहार का उपयोग आगे संधि प्रत्यय समास इत्यादि पढ़ने में उनके सूत्रों का निर्माण करने में उनके सूत्रों को समझने में यही प्रत्याहार हमें काम आते हैं वहाँ इन्हीं प्रत्याहारों का उपयोग किया जाता है उपयोग होता है अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि चौदह माहेश्वर सूत्रों में से किन किन वर्णों की हमें प्रत्याहार बनाने बनाते समय गणना करनी है और किन वर्णों की प्रत्याहार बनाते समय गणना नहीं करनी है तो बच्चों जितने भी हलंत वाले शब्द वर्ण हैं जितने भी हर माहेश्वर सूत्र में जितने भी हलंत वाले वर्ण हैं उन सब की गणना हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हलंत वाले वर्णों की इत संज्ञा हुई है और इसी कारण से इनकी गणना नहीं की जाती है तो हलंत वाले वर्णों को छोड़कर बिना हलंत वाले वर्णों की गणना हम लोग प्रत्याहार बनाते समय करेंगे अच्छा बच्चों अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इनमें स्वर और व्यंजन कितने हैं तो प्रथम चार माहेश्वर सूत्र बच्चों प्रथम चार माहेश्वर सूत्र हम लोग देख रहे हैं उड़ा, डी ए अब ये चार का महेश्वर सूत्र हैं, ये चार इनमें चार महेश्वर सूत्रों में हम हलंत वाले वर्णों को छोड़ देंगे और ये सारे अच अ से प्रारंभ कर च हलंत यहाँ च हलंत तक अ से प्रारंभ कर च हलंत तक अच बनेगा आ, और च हलंत अच बनेगा अ से प्रारंभ कर च तक ठीक है अब ये सारे इसमें हम देखते हैं कि सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं इसमें सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं और सारे कितने स्वर हैं नौ स्वर नौ है कितने हैं स्वर नौ है यहाँ पे नौ स्वर आ गए इसमें तो इन्हें अच कहा जाता है स्वर को हम लोग क्या कहते हैं कहते हैं के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण क्योंकि हमने हलंत वाले सभी वर्णों को छोड़ दिया है अब यहां देखिए पांचवें पांचवें हर ट वाले में से हा लेंगे हम और यहाँ ल ल लेंगे हम ठीक है तो यहाँ तक से यहाँ से यहाँ यहाँ तक बना हल हल हमने हल प्रत्याहार बनाया यहाँ ह से लेकर ला तक ये हल आ गया इसमें सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं क्या आएंगे सारे व्यंजन व्यंजन वर्ण आ जाएंगे और ये व्यंजन वर्ण सारे हलंत वाले वर्णों को छोड़कर बच्चों इनमें सारे हलंत वाले वर्णों को हम छोड़ देंगे तो इसमें सारे व्यंजन वर्ण आ जाएंगे और ये व्यंजन वर्ण कितने हैं तैतीस हैं ये व्यंजन वर्ण कितने हैं तैतीस हैं तो स्वर अच में आ गए सारे स्वर और हल में आ गए सारे व्यंजन तो ये स्वर नौ है और व्यंजन कितने हैं तैतीस हैं तो बच्चों इस तरह से मैंने माहेश्वर सूत्र आप लोगों को समझाया है कि चौदह माहेश्वर सूत्र है चौदह माहेश्वर सूत्रों में स्वर नौ है और व्यंजन तैतीस है इनमें से किन की गणना करनी है जितने बिना हलन्त वाले वर्ण हैं उनकी गणना हमें करनी है और जो भी हलंत वाले वर्ण हैं, वो इत संज्ञक है इसीलिए उन वर्णों को की गणना हमें नहीं करनी है उन्हें हमको छोड़ देना है ठीक है तो हम प्रत्याहार बनाते समय ये बात अवश्य ध्यान में रखेंगे कि बिना हलंत वाले वर्ण की ही हम केवल गणना करेंगे और हलंत वाले वर्णों को हम छोड़ देंगे बच्चों ये महेश्वर सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके अभी स्कूल की शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक आप जब पढ़ेंगे तो ये महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार आपको अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाए अच्छी तरह से याद हो जाए तो वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा क्योंकि इसके बिना हम लोग किसी भी सूत्र को नहीं समझ पाएंगे आगे किसी भी सूत्र को हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो आप लोग अब माहेश्वर सूत्र को अच्छी तरह से याद कर लीजिए अब देखते हैं इन्हीं माहेश्वर सूत्र से चलिए हम लोग बनाते हैं प्रत्याहार ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रत्याहार किसे कहते हैं ठीक है तो प्रत्याहार क्या होता है चौदह माहेश्वर सूत्र हमने पढ़ लिए अब इससे प्रत्याहार बनाएंगे तो प्रत्याहार क्या होता है तो बच्चों जिनकी सहायता से कम से कम शब्दों में अधिकतम बातें हम कह सकते हैं वे प्रत्याहार कहलाते हैं वे क्या कहलाते हैं प्रत्याहार कहलाते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया था स्वर अच व्यंजन हल बताया था पिछले स्लाइड में मैंने तो अच में नौ स्वर थे नौ स्वर हमने नहीं कहा नौ स्वर हमने नहीं कहा केवल अच कह दिया तो उससे क्या हुआ नौ स्वर का बोध हो गया तो यही अच प्रत्याहार से नौ स्वर का बोध हो गया फिर हल हमने कहा हल से तैतीस व्यंजन वर्णों का बोध हो गया तो जिनकी सहायता से हम कम से कम शब्दों में दो प्रत्याहार हम बनाते हैं दो वर्ण का लेकिन उसके अंदर कितने वर्णों का बोध होता है तो जितने वर्ण उनके अंदर आते हैं बिना हलंत वाले उन वर्णों का बोध होता है हमें तो प्रत्याहार का यही अर्थ हुआ कि कम से कम शब्द में हम अधिकतम वर्णों का बोध कराते हैं कम वर कम शब्द लिए और अधिकतम वर्णों का आप लोगों को बोध होता है वही प्रत्याहार कहलाते हैं ठीक है अब माहेश प्रत्याहार बनाएंगे कैसे हम लोग प्रत्याहार किस तरह से बनाएंगे हम लोग तो माहेश्वर सूत्र जो चौदह माहेश्वर सूत्र हमने पढ़े हैं उन चौदह माहेश्वर सूत्रों में से हम क्या करेंगे बिना हलंत वाले बिना हलंत वाले वर्ण को लेंगे बिना हलंत वाला पहला अक्षर लेंगे जो भी बिना हलंत वाला वर्ण होगा उसका पहला अक्षर ले लेंगे हम लोग और हलंत वर्ण का दूसरा अक्षर ले लेंगे बिना हलंत वाले वर्ण का पहला अक्षर ले लेंगे और हलंत वर्ण का दूसरा अक्षर ले लेंगे तो इन दो वर्णों के बीच में जो बिना हलंत वाले वर्ण हैं उनका बोध होता है जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा कि पहला वर्ण हमारा कौन सा होगा बिना हलंत वाला और दूसरा वर्ण कौन सा होगा जब प्रत्याहार हम लोग बनाएंगे तो पहला वर्ण हमारा होगा बिना हलंत वाला और दूसरा वर्ण कौन सा होगा हलंत वाला वर्ण होगा जैसे हमने अच बनाया था आ था बिना हलंत वाला वर्ण और च था हलंत वाला वर्ण तो इस तरह से आप लेंगे कि ए पहला वर्ण लेंगे बिना हलंत वाला और दूसरा वर्ण लेंगे हलंत वाला वर्ण तो, तो दोनों से किसका बोध होगा तो उनके बीच के सभी बिना हलंत वाले वर्णों का बोध होता है उन प्र, उस प्रत्याहार से किसी भी प्रत्याहार से उसके बीच के बिना हलंत वाले समस्त वर्णों का बोध होता है अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ आपको पहला महेश्वर सूत्र पढ़ाया था अ ई उ ए ओ अंग आई अ च क्या पढ़ाया पहला हुआ अ ई दूसरा री लड़ी का और तीसरा ए ओ अंग और चौथा आई अ च इसमें से हमने क्या लिया है अ लिया है और यहाँ हमने चौथे महेश्वर सूत्र का च लिया है च हलंत यहाँ देखिए अ में हलंत नहीं है बिना हलंत वाला वर्ण अ है और यहाँ च हलंत वाला वर्ण है तो इसमें से अ को हमने च से मिला दिया अ को हमने च से मिला दिया तो बन गया हमारा अच उदाहरण दे रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएं तो हमारा हमने अ और चौ को मिला दिया तो उससे बन गया हमारा अच प्रत्याहार और अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ गए बच्चों देखिए यहाँ पे हमने आ, ए उ, री, लड़ी, -O -O, आ, ए ओ ओ ये वर्ण लिए अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आए हैं ठीक है अब इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमने न ये और क ये और अंगा ये और चलंत ये सारे हलंत वाले वर्णों को हमने इसमें छोड़ दिया है हलंत वाले वर्णों को हमने नहीं लिया है हमने लिया है, आ लिया है, लिया है लिया, 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 अ लिया है ऊ लिया री लिया लड़ी लिया ए लिया ओ लिया इतने सारे वर्ण हमने लिए हैं लेकिन हमने हलंत वाले सभी वर्णों की गणना नहीं की है अर्थात अच प्रत्याहार के अंतर्गत हलंत वाले वर्णों को छोड़कर बिना हलंत वाले सभी वर्णों का बोध होता है और अच प्रत्याहार के अंतर्गत मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि सभी स्वर आ जाते हैं और ये सभी स्वर कितने हैं नौ है सभी स्वर कितने हैं नौ है इसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं और व्यंजन कितने थे व्यंजन तैतीस थे व्यंजन कितने थे व्यंजन तैतीस थे तो बच्चों इस तरह से मैंने उदाहरण के साथ आप लोगों को प्रत्याहार क्या होता है और किस तरह से बनाना है ये बता दिया है ठीक है अब हम लोग चलते हैं प्रत्याहार बनाते हैं ठीक है अब बच्चों चौदह माहेश्वर सूत्र से हम लोग कितने प्रत्याहार बनाएंगे 42 14 महेश्वर सूत्र से हम लोग 42 प्रत्याहार बनाएंगे ठीक है इसमें पहला प्रत्याहार बनता है हमारा अक अब जब आगे हम लोग संधि पढ़ेंगे तो अक सवर ने दीर्घ पढ़ेंगे तो वहां हम लोग जब तक अक नहीं अभी समझेंगे अभी अक नहीं समझेंगे तब हम संधि के सूत्र को नहीं समझ पाएंगे अगर अभी अक नहीं समझेंगे तो आगे संधि के सूत्र को अक नहीं समझ पाएंगे तो इसीलिए अक प्रत्याहार यहाँ बच्चों मैंने क्या बताया था आपको प्रत्याहार बनाने के लिए कि कैसे बनाएंगे पहला वर्ण हमारा होगा अ बिना हलंत वाला दूसरा वर्ण हमारा क्या होगा क जो कि हलंत वाला होगा पहला वर्ण बिना हलंत का दूसरा वर्ण हलंत वाला अब इसमें अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ गए आ ये गए बच्चों अक को हमने कैसे लिया हमने लिया है अ वर्ण लिए हैं ये पहला माहेश्वर सूत्र था हमारा ये दूसरा माहेश्वर सूत्र था हमारा ठीक है अब इसने हमने अक में लिया है तो अ लिया है और क लिया है ठीक है अब अ और क से अक से किन किन किस वर्णों का बोध हुआ है अ इ उ री और लिरी अ इ उ री और लिरी हमने ना को काट दिया हमने क का को काट दिया प्रत्याहार है, परंतु हमने कवर्ण को नहीं लिया, क्योंकि हलंत वाले वर्ण को हमें छोड़ देना, उनकी गणना हमें नहीं करनी है किसी भी हलंत वाले वर्ण की गणना हम लोग नहीं करेंगे तो इसीलिए अक प्रत्याहार में बिना हलंत वाले वर्णों को लिखने के बाद हमने आ, इ, उ, ल, इतना लिखा है इसी तरह से अब मैं आपको दिखाती हूँ अच्छा अच को हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि अच में इसमें अ हुआ और च हलंत हुआ ठीक है इसके अंतर्गत अ ई उ री ली, ली ए ओ आई औ इतने आए इसमें भी हमने हलंत वाला वर्ण छोड़ दिया है किरणा हमने हम छोड़ दिया है इसमें भी क हमने छोड़ दिया है अंगा हमने छोड़ दिया है और च को छोड़ दिया है हलंत वाले सभी वर्णों को हमने छोड़ दिया है ठीक है इसी तरह से तीसरा प्रत्याहार हमारा बनता है अट अ और हलंत, अट प्रत्याहार। इसमें हमने, इसमें हमने भी हम देखिए आप कि अ है और ट हलंत। पहला वर्ण क्या मैंने प्रत्याहार बनाने के लिए पहला वर्ण क्या होना चाहिए बिना हलंत वाला और दूसरा वर्ण क्या होना चाहिए बच्चों हलंत वाला दूसरा वर्ण हलंत वाला किसी भी कहीं से भी किस माहेश्वर सूत्र में अ है पहले हम देखेंगे कि किस माहेश्वर था। सूत्र में है और फिर देखेंगे कि किस माहेश्वर सूत्र में हम ट हलंत है वहां तक के वर्ण से लेकर ट हलंत तक के वर्णों के बीच में हम लोग देखेंगे कि कितने बिना हलंत वाले वर्ण हैं, कितने बिना हलंत वाले वर्ण हैं उनको हम लोग अट प्रत्याहार के अंतर्गत लिखेंगे ठीक है अब यहाँ पे हमारा प्रत्याहार है अण अ और न बच्चों कि एक तो हमारा माहेश्वर सूत्र है कि आ, इ, उ, और ना। ये, ठीक है, है? तो एक ये वाला अन प्रत्याहार बना है इस माहेश्वर सूत्र से इसको छोड़कर इसको हमने नहीं लिखा है इसको हमने काट दिया है ठीक है क्योंकि इसकी गणना नहीं होगी हलंत वर्ण है इसकी गणना हम लोग नहीं करेंगे तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आया अ ई -E उ अण प्रत्याहार के अंतर्गत हमने क्या देखा अ ई उ यही अ ई उ आए दूसरा अन्य प्रत्याहार क्यों दो अन्य प्रत्याहार हमने यहाँ पे क्यों बनाए क्यों दो अण प्रत्याहार हमें दिख रहा है यहाँ पे तो बच्चों हमने पढ़ा था पहला माहेश्वर सूत्र अ और छठा माहेश्वर सूत्र जिसमें ल और न था तो यहाँ देखिए कि पहले माहेश्वर सूत्र से लेकर छठे माहेश्वर सूत्र तक यहाँ अ ई और न ठीक है और यहाँ से लेकर छठे माहेश्वर सूत्र ल और ये छठे महेश्वर सूत्र तक ये पहला महेश्वर सूत्र हमारा है और ये छठा महेश्वर सूत्र बीच में दूसरा दूसरा महेश्वर सूत्र आएगा फिर तीसरा फिर चौथा और फिर पांचवा ये इतने महेश्वर सूत्र हमारे आएंगे तो हम यहां से प्रारंभ करेंगे इसको और यहां ये पहला वर्ण हमारा होगा अ और अंतिम वर्ण हमारा होगा ठीक है? तो आ हम बिना हलंत वाला है और वर्ण यहाँ हमारा हलंत वाला है तो यहाँ पे हमने देखा एक ही माहेश्वर सूत्र से अन बना है और दूसरा प्रत्याहार हमारा बना है जो पहले माहेश्वर सूत्र से लेकर छठे माहेश्वर सूत्र तक बना है तो इसीलिए अण प्रत्याहार हमारे किताब में दो बार है कि हम दो बार बनाते हैं एक पहले महेश्वर सूत्र से अन प्रत्याहार बनाते हैं और एक पांचवे महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाते हैं अब बच्चों आपके प्रत्याहार हैं तो मैं उनके नाम बता देती हूँ और, और स्क्रीन पे आपके दिख रहा है कि हम लोग मैंने आपको बताया है कि किसी भी प्रत्याहार को बनाने के लिए हम पहला लेंगे वर्ण बिना हलंत वाला दूसरा हलंत वाला छठा प्रत्याहार है अम अ और मा हलंत। तो हम देखेंगे कि प्रत्याहार में किस प्रत्याहार में अ आता है किस प्रत्याहार में मा हलंत आता है फिर उनके बीच के वर्णों को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण आते हैं फिर सातवां प्रत्याहार है हमारा अल हलंत। तो हम देखेंगे कि किस प्रत्याहार में आता है वर्ण और किस प्रत्याहार में ल हलंत आता है ठीक है बच्चों आपसे सीधा सीधा प्रश्न यही महेश्वर सूत्र से बनता है कि किस प्रत्याहार जैसे अल अच अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आपको यही देखना है कि किस महेश्वर सूत्र में ये वर्ण आते हैं इसके बाद बच्चों ये आठवां नौवा दसवां ग्यारहवा बारहवा ये इस तरह से आपके माह बयालीस सूत्र आपके सामने है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट महेश्वर सूत्र है जैसे झल है तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन-कौन से वर्ण आते हैं जश है जश प्रत्याहार के अंतर्गत कौन-कौन से वर्ण आते हैं भस है भस प्रत्याहार है यण है यण प्रत्याहार कौन-कौन से वर्ण आते हैं य र ल आते हैं फिर आपके सामने ये हल प्रत्याहार जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है हल प्रत्याहार कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं ठीक है इसी तरह से हर्ष प्रत्याहार है हर्ष प्रत्याहार में देखेंगे कि किस प्रत्याहार में कहा हर्ण हाँ है कहांत वर्ण है तो इस तरह से बच्चों ये बयालीस प्रत्याहार है आपके सामने कुछ मुख्य प्रत्याहार इक है इच है, है अक है अच है इन सबको तो मुख्य रूप से आप लोग याद कर लीजिए तथा मैं बयालीस प्रत्या चौदह माहेश्वर सूत्रों से जो बयालीस प्रत्याहार मैंने बनाए हैं यहाँ पे ये यह हम आपके बयालीस प्रत्याहार दिए हुए हैं इन बयालीस प्रत्याहारों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि इन्हीं को लेकर हम लोग संधि में समाज में प्रत्यय में सब में इनका उपयोग करेंगे सूत्रों को पढ़ने में इसका उपयोग करेंगे ठीक है बच्चों मैं अब आप लोगों को कुछ गृह कार्य दे रही हूँ जैसे कि सैंपल के तौर पे दे रही हूँ कि एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आप लोगों को एक प्रत्याहार देखना है कि कहाँ पे ई है ए वर्ण से प्रारंभ कर क हलंत तक के वर्ण है तो आप लोग इसमें से चुनेंगे फिर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं तो ये आप लोग गृह कार्य में कीजिएगा और इसी तरह के अन्य प्रश्न भी आप बनाइए महेश्वर सूत्र याद कीजिए बयालीस प्रत्याहार याद कीजिए और इस तरह के प्रश्न आप लोग बनाइएगा ठीक है बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रत्याहार को समझ लिया होगा इसे बनाने की विधि समझ ली होगी और अच्छी तरह से आप आप लोग लोग इसे बना पाएंगे। सूत्रों को कंठस्थ करेंगे, प्रत्याहार को बनाएंगे उसका समुचित अभ्यास करेंगे बच्चों अगर आप लोगों को इस पाठ के संबंध में कोई भी संशय होती है कुछ भी समझ में ना आता है तो आप लोग दीक्षा एप पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर में जाकर या आईओएस से डाउनलोड किया जा सकता है और इस एप को डाउनलोड कर इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों को अन्य गतिविधियों का आप लोग अभ्यास कर सकते हैं और ये वीडियो जो अभी आप लोगों के सामने ये वीडियो चला है ये वीडियो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के वेबसाइट पे जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग देख सकते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा धन्यवाद